थैंक यू। सीन ये है कि यहाँ एयरपोर्ट पे मैं रिया को पिक करने के लिए आया हूँ, जो कि दिल्ली से अमृतसर आई है और उसको होशियारपुर लेके जाना है, बट वहीं पर ही मुझे अमृता भी मिल जाती है जो कि न्यूयॉर्क से यहाँ पे आई है। और अचानक पता नहीं 2-3 बार हम लोग एयरपोर्ट पे टकरा जाते हैं, हर जगह वही दिख रही है, और उसके आने के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है जो कि मुझसे रिलेटेड ही है, और वो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड, तो आपको बाकी सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे कि यहाँ क्या हो रहा था। यार मैं पहली बार जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एक तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत रिलेटेबल है, तो लोग इजीली कनेक्ट करेंगे, और प्लस मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत मज़ेदार है, सबको खुश रखने वाला है और पूरी फैमिली को संभाल रहा है, सबको जोड़ने की जो कोशिश कर रहा है वो वीर है। तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शूट करते हुए, और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि 12 तारीख आए और सबका फीडबैक आना शुरू हो। नहीं वहाँ तो दो लड़के भी थे ना, तो वहाँ तो ऑप्शन था तो यहाँ तो मैं ही हूँ। अरे तो ऐसा कुछ यार, लेट करने उड़ान को हो गए अभी 6-7 साल हो गए, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है लाइफ में, बट मज़ा आता है ऐसे, ये टॉम एंड जेरी वाले सीन चलते रहते हैं इन लोगों के बीच में, और शायद मैं सैंडविच बनता रहूँगा तो, पर मुझे भी अभी नहीं पता यार, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, आगे किस तरफ कहानी जाएगी वो अभी नहीं बता सकता। एज आई सेड कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हमेशा मेरा शो आने से पहले लोग मेरे कमबैक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को मेरे इतना प्यार दिया है, तो इसीलिए मेरी भी एक यू नो जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ अच्छा लेके आऊँ उनके लिए। सो आई प्रॉमिस कि बहुत कमाल का है कैरेक्टर, आई एम श्योर यू गोना लव इट, सो प्लीज़ डू वॉच दिल दिया गल्ला 12 December 7:30 PM ओनली ऑन सोनी साहब।